हेलो, वेलकम बेटा. पार्ट नंबर टू, दैट इज मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, सेकंड लास्ट चैप्टर, क्लास टेंथ, ज्योग्राफी. चलिए बेटा, आज हम करते हैं क्लासिफिकेशन इंडस्ट्री. काफी अच्छा टॉपिक है और इसमें काफी वन वर्ड क्वेश्चन हैं बेटा, एनटीएससी के रिगार्डिंग और सीबीएसई के रिगार्डिंग. एग्जाम्पल्स पूछे जाते हैं इसके, या मैच द कॉलम भी आते हैं. ठीक है, चलिए. लिस्ट द वेरियस मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट यू यूज इन डेली लाइफ, सच एज ट्रांजिस्टर, इलेक्ट्रिक बल्ब, वेजिटेबल ऑयल, सीमेंट, ग्लासवेयर, पेट्रोल, मैचेस, स्कूटर, ऑटोमोबाइल, मेडिसिन एंड सो ऑन. इफ यू क्लासीफाई द वेरियस इंडस्ट्री बेस ऑन द पर्टिकुलर क्राइटेरिया, देन वी वुड बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस मैन्युफैक्चर बेटर. इंडस्ट्री में भी क्लासिफाइड एज फॉलो. तो इनको हम समझने के लिए बेटा, और अच्छे से इन मैच्योरिटी को समझने के लिए इनको डिफरेंट बेसिस पे क्लासीफाई कर सकते हैं. ठीक है, देखिए वन बाई वन यहाँ दिया है बेटा. नंबर वन हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल, यानी जो इंडस्ट्री में रॉ मटेरियल यूज होता है उसके बेस पर अगर इसको डिवाइड करें तो इसके दो पार्ट बनते हैं. फर्स्ट वन एग्रो बेस और दूसरा मिनरल बेस. यानी जिसमें एग्रीकल्चर से रॉ मटेरियल आता है उसको एग्रो बेस कहेंगे, और जिसका माइनिंग से आपका रॉ मटेरियल आता है उसको मिनरल बेस कहेंगे. एग्रो बेस कॉटन, वुलन, जूट, सिल्क, टेक्सटाइल, रबर, सुगर, टी, कॉफी, एडिबल ऑयल, ये सारा बेटा एक्सेल से ही रॉ मटेरियल आता है. सेकंड मिनरल बेस की बात करें, आयरन स्टील, सीमेंट, एल्युमिनियम, मशीन टूल, पेट्रोकेमिकल, इन सबका रॉ मटेरियल माइनिंग से आता है. ठीक है, मिनरल के बेस से. सेकंड है बेटा अकॉर्डिंग टू देयर मेन रोल. अब रोल के बेस पे इसको दो पार्ट में डिवाइड किया है. फर्स्ट वन बेसिक और की इंडस्ट्री, विच सप्लाई देयर प्रोडक्ट टू और रॉ मटेरियल टू मैन्युफैक्चर अदर गुड्स, आयरन स्टील एंड कॉपर स्मेल्टिंग, एल्युमिनियम स्मेल्टिंग. ठीक है, इनको बेसिक इंडस्ट्री बोलते हैं या नोडल सेंटर भी बोलते हैं. और जहां ये इंडस्ट्री खुलती है, अपने यहां से जो इसका फिनिश गुड है वो दूसरी इंडस्ट्री के रॉ मटेरियल होता है. ठीक है, दे सप्लाई देयर प्रोडक्ट और रॉ मटेरियल टू मैन्युफैक्चर अदर गुड्स, इज इट क्लियर. तो ये कभी भी कंज्यूमर गुड नहीं बनाती, अदर इंडस्ट्री इनके आसपास लग जाती है जो इसका प्रोडक्ट को अपने यहाँ रॉ मटेरियल की तरह यूज करती है. सेकंड है कंज्यूमर इंडस्ट्री, जो सीधा कंज्यूमर के लिए बनाती है. प्रोड्यूस गुड फॉर डायरेक्ट यूज फॉर कंज्यूमर, सुगर, टूथपेस्ट, पेपर, शेविंग मशीन एंड फैंस, इज क्लियर. चलिए नेक्स्ट लिस्ट में चलते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट, यानी इसमें पैसा कितना इन्वेस्ट लगा बेटा. इसके एटरी में इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं जो एक ही पैरा में दिए. देखिए, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इज डिफाइंड विद रेफर टू द मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट अलाउड ऑन द एसेट ऑफ ए यूनिट, दिस लिमिट हैज चेंज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. तो कई पीरियड ऑफ टाइम के बाद चेंज हो जाती है. तो अभी प्रेजेंटली हम बात करें, एट प्रेजेंट टाइम मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व इज रूपीज 1 करोड़. तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की सोच में 1 करोड़ से ज्यादा इन्वेस्ट नहीं हो बेटा, उससे नीचे हो. एंड इन्वेस्टमेंट मोर देन 1 करोड़, और जिसमें 1 करोड़ से ऊपर इन्वेस्टमेंट है उसको हम लार्ज स्केल इंडस्ट्री में काउंट करते हैं. तो यहाँ 1 करोड़ इनका लिमिट है. 1 करोड़ से नीचे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, 1 करोड़ से ज्यादा लार्ज स्केल इंडस्ट्री. ये भी काफी इजी है. चलिए आगे चलते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, यानी उस इंडस्ट्री का ऑनर कौन है बेटा. ठीक है, ऑनर बेस मीन्स ओनरशिप. चलिए फर्स्ट पब्लिक सेक्टर की बात करते हैं. पब्लिक मीन्स तो गवर्नमेंट सेक्टर, इसको याद रखना. पब्लिक मीन्स गवर्नमेंट, ओन्ड एंड ऑपरेट बाय द गवर्नमेंट एजेंसीज, भेल एंड सील, भारत हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड. इनकी फुल फॉर्म भी देख रहे हैं बेटा, फुल फॉर्म भी कई बार इनकी पूछ लेते हैं. ये दोनों बेटा आपकी पब्लिक इंडस्ट्री, गवर्नमेंट अंडर. नेक्स्ट है प्राइवेट सेक्टर, यानी पब्लिक प्राइवेट कहीं ना कहीं इंडिविजुअल या कोई ग्रुप ऑफ पीपल इसके ऑनर होते हैं. ओन्ड एंड ऑपरेट बाय इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, टिस्को, टाटा आयरन स्टील कंपनी, बजाज, डाबर इंडस्ट्रीज, प्राइवेट इंडस्ट्रीज के बहुत एग्जाम्पल्स हैं. अब चलते हैं बेटा ज्वाइंट सेक्टर. अब ज्वाइंट सेक्टर में इन दोनों की भागीदारी होती है, दोनों की हिस्सेदारी होती है बेटा, राइट. ज्वाइंट सेक्टर इंडस्ट्री विच आर ज्वाइंटली रन बाय द स्टेट एंड द इंडिविजुअल ऑफ अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स. तो इसमें स्टेट और इंडिविजुअल और ग्रुप हो सकता है बेटा. जैसे ऑयल इंडिया लिमिटेड है, ओएल, ये एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है जो पेपर में पूछा था, इसको देख लेना प्लीज. तो ज्वाइंट सेक्टर में आएगा, इसमें गवर्नमेंट सेक्टर का भी पार्टनरशिप है और प्राइवेट की भी. ये ज्वाइंटली ओन बाय द पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर. नेक्स्ट है बेटा कॉपरेटिव. इकोनॉमिक्स में कई जगह हम इसको पढ़ सके, कॉपरेटिव सेक्टर बेटा. इसमें जो प्रोड्यूसर है वो इसके ऑनर होते हैं बेटा, इज क्लियर. प्रोड्यूसर इस इंडस्ट्री को चलाते हैं. देखिए, सर्टेन इंडस्ट्री आर ओन एंड ऑपरेट बाय द प्रोड्यूसर्स, समझ में आ गया. इनके ऑनर या इनके ऑपरेटर कौन होते हैं, खुद प्रोड्यूसर. और सप्लायर्स ऑफ द रॉ मटेरियल, जो रॉ मटेरियल सप्लाई करा वो इसका ऑनर होता है. वर्कर ऑफ बोथ एंड दे पूल द रिसोर्स एंड शेयर द प्रॉफिट एंड लूज प्रोपोर्शनली, सच एज सुगर इंडस्ट्री. अभी क्या करते हैं, अपने रिसोर्स को पूल करते हैं, सारी चीजें पूल करते हैं, इकट्ठा करते हैं, राइट. अपना कैपिटल लगाते हैं, अपना रॉ मटेरियल इकट्ठा करते हैं, राइट. और प्रॉफिट को क्या करते हैं, प्रोसेस लिया, जितने जितना काम किया, जितना रॉ मटेरियल जितना उसने इन्वेस्ट किया उसके हिसाब से उसका प्रॉफिट शेयर हो जाता है. इसमें जो बड़ी इंडस्ट्री आती है, सुगर इंडस्ट्री इन महाराष्ट्र और कॉय इंडस्ट्री इन केरला. कॉय इंडस्ट्री कई बार बताया बेटा, ये आपका जो कोकोनट जो है उसका ऑयल तो बेटा सेल हो जाता है इंडस्ट्री में, बट उसका जो रेज्यू बचता है, जो वेस्ट है, उससे भी कई चीजें बनती है. जैसे यहां लिखा है, कोर्स फाइबर फ्रॉम द हस्क ऑफ कोकोनट ऑयल, जो कोकोनट उसके बाहर जो छिलका होता है, जो रेशे होते हैं बेटा, उससे कालीन है, गद्दे हैं
और आपकी रस्सियां हैं, कई ऐसी चीजें इससे बनती हैं, उनको हम कोर इंडस्ट्री बोलते हैं। ठीक है, ये सारे बेटा कॉपरेटिव एग्जाम्पल है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं बेटा, बेस्ड ऑन द बल्क एंड वेट ऑफ द रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल ओके, वेट पे और बल्क पे, उसके बेसिस पे हम बात करें तो उसको दो पार्ट में करते हैं, हैवी इंडस्ट्री एंड लाइट इंडस्ट्री। हैवी इंडस्ट्री सच एज आयरन स्टील, जिसका रॉ मटेरियल या उसका प्रोडक्ट कहीं ना कहीं काफी हैवी होता है। लाइट इंडस्ट्री की बात करें, इसमें रॉ मटेरियल इसका फिनिश गुड दोनों हल्के होते हैं, तो दोनों में डिफरेंस है, क्योंकि हैवी इंडस्ट्री ही जहां रॉ मटेरियल मिलेगा वही लगेगी, और लाइट इंडस्ट्री कहीं भी लग सकती है। दैट यूज रॉ मटेरियल एंड द प्रोड्यूस लाइट गुड्स सच एज इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज। ठीक है, क्लास यहाँ आपके लिए छोटी एक्सरसाइज दी बेटा, कुछ इंडस्ट्री इनको आपको डिफरेंट कैटेगरी में रखना है, एक इंडस्ट्री दो या तीन कैटेगरी में जा सकती है। ठीक है, चलिए इसको आप कर लेना, कोई डाउट हो तो पूछना बेटा। अब आते हैं एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। सबसे पहला बेटा कैटेगरी आती है एग्रो बेस्ड, हमने ऊपर पढ़ी थी। एग्रो बेस्ड में देखिए, कॉटन, जूट, सिल्क, वुलन टेक्सटाइल, शुगर, एडिबल ऑयल इंडस्ट्री आर बेस्ड ऑन एक्सेलेंट रॉ मटेरियल। बहुत सी इंडस्ट्री है, उनमें से कुछ जानी मानी बेटा फेमस इंडस्ट्रियां दी है। सबसे पहले हम कहते हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री, मोस्ट इंपोर्टेंट क्यों है, क्योंकि इसके फीचर्स में दिए हैं, जिसकी वजह से काफी इंपोर्टेंट, सबसे आगे है बेटा। देखिए द टेक्सटाइल, टेक्सटाइल होता है बेटा कपड़ा की, कपड़े से रिलेटेड जितनी इंडस्ट्री को हम टेक्सटाइल इंडस्ट्री बोलते हैं, चाहे वो धागा बनाती हो, कपड़ा बनाती हो, कुछ भी करती हो। देखिए द टेक्सटाइल इंडस्ट्री ऑक्यूपाई यूनिक पोजीशन इन द इंडियन इकोनॉमी बिकॉज इट कंट्रीब्यूट्स सिमिलरली द इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन 14% एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। ठीक है, तो जीडीपी में भी बड़ा अच्छा रोल है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में हम कहते हैं 14% प्रोडक्शन होता है इंडस्ट्रियल का, इससे एम्प्लॉयमेंट की बात करें 35 मिलियन पर्सन को बेटा डायरेक्टली, और सेकंड लार्जेस्ट आफ्टर एग्रीकल्चर। तो 35 मिलियन को तो दे रही है डायरेक्टली, इनडायरेक्टली भी बहुत लोग इस बेटे से एम्प्लॉय होते हैं। ओवरऑल हम बात करते हैं एग्रीकल्चर के बाद जो बड़ा सेक्टर जो एम्प्लॉयमेंट देता है वो क्या है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट तीसरी इंपोर्टेंट बात है बेटा, फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग 24.6%, तो देश का जितना फॉरेन एक्सचेंज उसका 1/4 बेटा टेक्सटाइल इंडस्ट्री से आता है। ठीक है, इट कॉन्ट्रीब्यूट 4% टूवर्ड जीडीपी, जीडीपी का भी बड़ा पार्ट 4% ही बेटा शेयर करती है। इट इज द ओनली इंडस्ट्री इन द कंट्री विच इज सेल्फ रिलायंट, सेल्फ एंड याद रखना, इसका हर प्रोसेस इंडिया में ही होता है, ज्यादा हम दूसरे देशों पर रिलायबल नहीं है, हमें हर चीज इंडिया में मिल जाती है, इसकी स्टार्टिंग से एंड तक का जो प्रोडक्शन वो सारा इंडिया में होता है। एंड कंप्लीट इट्स वैल्यू चेन, अपनी वैल्यू चेन यही कंप्लीट होती है, यानी कॉटन से लेके जो आपका क्या बोलते हैं गारमेंट्स है वो सारे इंडिया में ही हो जाते हैं, फ्रॉम रॉ मटेरियल टू द हाईएस्ट वैल्यू एडेड प्रोडक्ट। तो कॉटन भी बेचता है इंडिया, थ्रेड भी बेचता है, क्लोथ भी बेचता है, फिर गारमेंट भी, तो हाईली वैल्यूएडेड प्रोडक्ट तक बेटा इंडिया में बनते हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री है, इसके कुछ मेन फीचर्स हैं, इसको देख लेना। अब टेक्सटाइल को भी बेटा सब पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, तो आपके तीन दिए हैं, जूट और सिल्क आगे पढ़ेंगे। यहां सबसे पहले दिया कॉटन बेटा, मोस्ट इंपोर्टेंट सेक्टर है, ऊपर इसका प्रोसेस दिया दिख रहा है आपको, फाइबर प्रोडक्शन, स्पिनिंग, रॉ फाइबर है, स्पिनिंग इससे यार्न बनता है, वीविंग से फैब्रिक बनता है, डाइंग और फिनिशिंग से गारमेंट बनते हैं, गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग से भी वो कपड़े बनते हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंट प्रोडक्ट बेटा अलग अलग चेन के टाइम पे बनते जाते हैं, और कई जगह हम रॉ फाइबर भी सेल करते हैं, यार्न भी वर्ल्ड को सेल करते हैं, फैब्रिक भी बेच देते हैं, और गारमेंट का प्रोडक्शन बहुत है इंडिया से। चलिए पहली टेक्सटाइल की बात करते हैं, दैट इज कॉटन टेक्सटाइल। ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टेक्सटाइल का बड़ा पार्ट बेटा कॉटन टेक्सटाइल है, स्टार्टिंग भी इसी से हुई थी, वर्ल्ड वाइड हम कहते हैं कॉटन जो है इंडिया काफी फेमस था इसमें, एंशिएंट पीरियड से। देखिए इन एंशिएंट इंडिया कॉटन टेक्सटाइल वर प्रोड्यूस विद हैंड स्पिनिंग एंड हैंडलूम वीविंग टेक्निक। आफ्टर द 18th सेंचुरी पावर लूम केम इन टू यूज, अवर ट्रेडिशनल इंडस्ट्री सफर्ड ए सेटबैक ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड बिकॉज दे कुड नॉट कम्पीट विद द मिल मेड क्लॉथ फ्रॉम इंग्लैंड। तो बीच में बेटा कॉलोनियल पीरियड जो ब्रिटिश का पीरियड रहा था, तो उस टाइम हमने थोड़ा स्ट्रगल किया, क्योंकि वहां वो फिनिश गुड अपने मिल से बनाने लगे, इंडस्ट्री से बनाने लगे, मशीन से, तो वो काफी सस्ता और पतला बनता था, फाइन होता था, उससे कंपटीशन फाइट किया। बट इससे पहले हम 18th सेंचुरी से पहले कहीं ना कहीं पूरे वर्ल्ड में हम रूल करते थे हैंडलूम्स के बेस पे। चलिए द फर्स्ट सक्सेसफुल टेक्सटाइल मिल वॉज एस्टैब्लिश्ड इन मुंबई 1854। अब सक्सेसफुल टेक्सटाइल की बात हो रही, मुंबई में 1854 में खुली, नोट कर लेना बेटा, इसे 2 साल बाद प्रोडक्शन शुरू कर दिया था इसने। द टू वर्ल्ड वॉर फॉट इन यूरोप, इंडिया वॉज ए ब्रिटिश कॉलोनी, दो वर्ल्ड वॉर में इंडिया ब्रिटिश कॉलोनी था, तो इंडिया ने भी पार्टिसिपेट किया था, बट इसका बेनिफिट इंडियन इंडस्ट्री को मिला बेटा। देखिए कैसे, देर वॉज ए डिमांड फॉर द क्लोथ इन यूके, हेंस दे गेव ए बूस्ट टू डेवलपमेंट ऑफ द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। पर इन दोनों वर्ल्ड वॉर ने इंडिया के इंडस्ट्री को काफी बूस्ट दिया, हमने बहुत प्रोडक्शन किया, क्योंकि इन दोनों वर्ल्ड वॉर में उनकी इंडस्ट्री बिजी हो जाती थी बेटा वॉर गुड्स में, तो यहां हमें एक बूस्ट का मौका मिला। चलिए आगे, टूडे देर आर नियरली, अर्लियर हम बात करते हैं बेटा 2003-04 के आसपास 1600 कॉटन एंड ह्यूमन मेड फाइबर टेक्सटाइल मिल्स इन कंट्री। बाय 2011 की बात करें तो 1946 है बेटा ये। अबाउट 80% ऑफ दीज आर द प्राइवेट सेक्टर, 80% प्राइवेट सेक्टर के अंडर है, एंड रेस्ट ऑफ द पब्लिक 20% पब्लिक, ये रेशियो दिया है
प्राइवेट, याद है प्राइवेट पब्लिक पीछे पड़ा था, या इंडिविजुअल पर्सन लोग चलाते हैं 80% को, और गवर्नमेंट के अंदर 20% है, एंड कॉपर्टी, कॉपर्टी भी 20% में आ जाती है, राइट। अपार्ट फ्रॉम दिस देर इज अ सेवरल थाउजेंड स्मॉल फैक्ट्रीज विद 4 or 10 लूम्स, तो छोटी उद्योग भी है बेटा जो 2 कमरे से लेके 4-5 कमरे में लगते हैं, तो वो भी 4 to 10 लूम्स है। लूम होता है एक कपड़े बनाने का एक मशीन होती है लूम, तो उनकी बात कर रहा है 4 से 10 लूम लगी हुई छोटी छोटी इंडस्ट्री भी इंडिया में बहुत हजारों है। चलिए, इन द अर्ली ईयर्स द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री वॉज कंसिडर्ड इन द कॉटन ग्राउंड बेल्ट महाराष्ट्र एंड गुजरात, अवेलेबल रॉ मटेरियल, मार्केट, ट्रांसपोर्ट इंक्लूडिंग एक्सेस, पोर्ट फैसिलिटी, लेबर, मॉइस्ट क्लाइमेट। बेटा ये क्वेश्चन बनता आपका 3 मार्क्स में, और शायद ये एमसीक्यू भी बना देते हैं कई बार इसका। तो ऐसी कौन सी रीजन थे कि सबसे पहले महाराष्ट्र गुजरात में ही इंडस्ट्री इंडिया में सेटअप हुई, तो उसका रीजन दिए हैं, कई कॉजेस दिए हैं। रॉ मटेरियल हो गया पहला, रॉ मटेरियल आसपास यहाँ अवेलेबल है, दोनों स्टेट सबसे हाईएस्ट प्रोड्यूसर है, मार्केट बहुत अच्छा है यहाँ, ट्रांसपोर्ट बहुत अच्छा है क्योंकि जो मुंबई वो सभी से कनेक्टेड है बेटा, एंड पोर्ट फैसिलिटी मुंबई मिल जाती है, लेबर अच्छी है क्योंकि इस एरिया में डेंसिटी अच्छी है, और मॉइस्ट क्लाइमेट ओशन के आसपास है, तो स्टार्टिंग में बेटा हम कहते हैं रेफ्रिजरेटर और एसी वगैरह नहीं थे, और जो कॉटन का जो कपड़ा धागा बनता है, थ्रेड बनता है, यान बनता है, उसको थोड़ा मॉइस्ट क्लाइमेट चाहिए ताकि टूटे नहीं, तो वो क्लाइमेट भी यहाँ था। कॉन्ट्रीब्यूटेड टूवर्ड इट्स लोकलाइजेशन, दिस इंडस्ट्री हैज क्लोज लिंक्स विद एग्रीकल्चर एंड प्रोवाइड ए लिविंग फार्मर टू फार्मर्स कॉटन बाउल प्लकर्स एंड वर्कर्स, तो हमने वो पीछे पढ़ा ना, एक्स्ट्रा एम्प्लॉयमेंट बहुत लोगों को इनडायरेक्टली मिलता है, तो कॉटन प्लकर्स हैं, वर्कर्स हैं, फार्मर्स हैं, उनको भी बड़ा रोजगार मिला इससे। अब यहाँ इसकी प्रोसेस दी है बेटा, फटाफट देखिए, एंगेज इन गिनिंग, गिनिंग होता है बेटा सीड को अलग करना, ठीक है, इसको हिंदी में ओटाई बोलते हैं वैसे, फिर है स्पिनिंग जिसको कताई बोलते हैं हिंदी में, जिससे धागा बनता है, फिर वीविंग है कपड़ा बनाता बुनते हैं जो करखा चलता है, मशीन चलती है लूम्स, फिर डाइंग है उसको कलर करते हैं, डिजाइनिंग है उस पर डिजाइन भी लगाई जाती है, कुछ मोती वोती चिपकाना, कुछ भी डिजाइन आर्ट वगैरह, फिर पैकेजिंग आता है, और लास्ट में टेलरिंग भी है एंड सीविंग, और लास्ट में सिलाई मशीन, सिलाई भी होता है, टेलरिंग मीन कटिंग और सीविंग मीन सिलाई करना, और लास्ट में गारमेंट बनता है। तो ये डिफरेंट प्रोसेस है बेटा जिसकी वजह से सबसे ज्यादा यहाँ एम्प्लॉयमेंट मिलता है एग्रीकल्चर के बाद, सेकंड नंबर इसीलिए। द इंडस्ट्री बाय क्रिएटिंग डिमांड सपोर्ट मेनी अदर इंडस्ट्री सच एज केमिकल एंड डाइज, अब देखिए इन सारी प्रोसेस में बहुत सी डिमांड होती है इन इंडस्ट्री की, जिसमें केमिकल्स है, डाइज है, मिल स्टोर, पैकेजिंग मटेरियल्स, इंजीनियरिंग वर्क्स, तो इसकी वजह से और बहुत सी इंडस्ट्री बेटा यहाँ डेवलप हो जाती है, ठीक है, तो ये एक बेसिक इंडस्ट्री का भी काम करती है। व्हाइल स्पिनिंग कंटिन्यू टू बी सेंट्रलाइज इन महाराष्ट्र, गुजरात एंड तमिलनाडु, वीविंग इज हाईली डिसेंट्रलाइज टू प्रोवाइड स्कोप फॉर इनकॉर्पोरेटिंग ट्रेडिशनल स्किल एंड डिजाइन ऑफ वीविंग इन कॉटन। तो यहां देखिए 2 क्वेश्चन दिए हैं, अगर हम पहली बात करें स्पिनिंग, ठीक है, तो स्पिनिंग का ज्यादातर काम कहां होता है बेटा, कताई का धागा जो बनता है, थ्रेड बनता है, यान बनता है, गुजरात तमिलनाडु में कंसेंट्रेटेड है, यहां ज्यादा थ्रेड बनता है। और अगर हम दूसरी बात करें, जो हम वीविंग की बात, कपड़ा बनाने की बात करते हैं धागे से, वो इंडिया में हर जगह फैला बेटा, एक एक एरिया में अलग अलग हम कहते हैं डिफरेंट टाइप के क्लोथ बनते हैं, और कहीं मुस्लिम बनता है, कहीं छीट वाले कपड़े, अलग अलग डिजाइन के कपड़े बनते हैं, अलग अलग टेक्सचर्स के बनते हैं, तो उसकी वजह से ये काफी डाइवर्सिफाई इंडिया में। देखिए एग्जाम्पल दिया है, डिजाइन ऑफ वीविंग कॉटन, सिल्क, जरी, एम्ब्रॉयडरी, इंडिया हैज वर्ल्ड क्लास प्रोडक्शन स्पिनिंग, स्पिनिंग का बेस्ट प्रोडक्शन है इंडिया में, और अच्छी बेटा वैरायटी है जो वर्ल्ड वाइड बड़ी डिमांड होती है उसकी, बट वीविंग सप्लाइज लो क्वालिटी एज फैब्रिक एज इज कैनॉट मच ऑफ द हाई क्वालिटी यान प्रोड्यूस इन इंडिया, वीविंग इज डन बाय हैंडलूम, पावरलूम एंड मिनिल्स। हम बात करते हैं यान, इंडिया वर्ल्ड का फेमस बनाता है, बेस्ट यान बनाता है बेटा, बट उसकी बेस्ट क्वालिटी इंडिया से एक्सपोर्ट हो जाती है बेटा, रियलिटी है, और हमारे इंडस्ट्री को थोड़ा अच्छा धागा नहीं मिलता, जिससे हमारी सेविंग जो है, यानी सॉरी सेविंग बोल रहा हूं मैं, स्पिनिंग है, स्पिनिंग वाली वीविंग जो प्रोसेस है वो काफी बेटर नहीं है, वर्ल्ड क्लास की नहीं है। फाइन कपड़े की बात की, जापान बहुत अच्छा कपड़ा बनाता है बेटा फाइन, यूएस बहुत अच्छा बना रहा है, और कॉटन हमारे यहां से मंगाते हैं, यान हमारे यहां से मंगाते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, द हैंडस्पन खादी प्रोवाइड लार्ज स्केल एम्प्लॉयमेंट टू वीवर्स इन द होम्स एज कॉटन इंडस्ट्री, जो कॉटन इंडस्ट्री छोटे लघु उद्योग है उन बेटा हैंडस्पन खादी ये बड़ा पॉपुलर ब्रांड है, और अभी 14 के बाद जब मोदी गवर्नमेंट आई तो इसको फिर से एक बूस्ट मिला है, और इंडिया में इसका प्रोडक्शन बढ़ा भी बेटा, ठीक है, तो ये भी हमारी एक बड़ी डिमांड है जो महात्मा गांधी उस टाइम फेमस हुई थी स्वदेशी के टाइम, तो ये काफी अच्छा ब्रांड है खादी, जो वर्ल्ड वाइड काफी इसकी डिमांड होती है। अब यहाँ सेक्टर दिए हैं, शेयर ऑफ प्रोडक्शन लूमेज दिया है, ठीक है, कितनी लूम्स लगी है, तो मिल्स की बात करें 6% शेयर करता है प्रोडक्शन का, और 1.33 लाख बेटा लूमेज लगी हुई है। पावर लूम है जो मशीन वगैरह यूज करते हैं, पावर लूम यूज करते हैं,
54% सबसे बड़ा प्रोडक्शन यही से और 14 लाख बेटा लूमेज लगी है। हैंडलूम की बात करें 23% है, काफी बड़ा, देखिए मिल से भी ज्यादा प्रोडक्शन इनका, और इनका कोई डाटा अवेलेबल नहीं क्योंकि हर घर में छोटे छोटे बड़ी स्केल पे लूम्स लगे हैं, इनको काउंटिंग कर सकते हैं। तो 90% ऑफ वीविंग एंड कटिंग एंड प्रोसेसिंग इन डिसेंट्रलाइज इंडिया, तो 90% हमारा कटिंग वीविंग प्रोसेस डिसेंट्रलाइज है, वो कहीं भी गांव में हर जगह होता है। स्टडी द फिगर अबाउट द नोट एंड शेयर ऑफ द मिल प्रोडक्शन ऑफ फैब्रिक, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट फॉर द कंट्री टू कीप द मिल सेक्टर लूमेज लोअर देन पावर लूम एंड लैंड हैंडलूम्स। तो ऐसा क्या है कि बेटा जो ऊपर जो डाटा दिया है कि वो पावर लूम और हैंडलूम से पीछे है, तो उसका रीजन है कि हैंडलूम में प्रोडक्शन ज्यादा होता है, घर घर बेटा एम्प्लॉयमेंट मिला हुआ है इससे, और गवर्नमेंट अब भी हैंडलूम और पावर लूम को काफी सपोर्ट करती है। मिल सेक्टर का फायदा एक आदमी को होता है, एक इंडस्ट्री है वो, एक ऑनर की है, ठीक है। इंडिया एक्सपोर्ट यार, बेटा देखिए यहाँ दो क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है, एक तो स्टार्टिंग में हमने फीचर्स पढ़ी थी वो अच्छा था, दूसरा लोकेशन का था, तीसरा वो प्रोसेस का था। अब हम लास्ट क्वेश्चन और पढ़ रहे हैं, देखिए इंडिया किस चीज को एक्सपोर्ट करता है, जापान मेन है बेटा, और इसमें एक्सपोर्ट में हम सिर्फ पढ़ रहे हैं यान, धागा इंडिया से बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट होता है बेटा, अच्छी क्वालिटी का थ्रेड हम बनाते हैं, वर्ल्ड क्लास का बनाते हैं, तो इंडियन यान की डिमांड पूरे वर्ल्ड में है, ठीक है। तो जापान इंपोर्टेंट इंपोर्टर्स ऑफ द कॉटन गुड्स, इंडिया में सबसे ज्यादा कॉटन गुड्स का सबसे बड़ा इंपोर्टर कौन है, जापान, फ्रॉम इंडिया एंड आर यूएस यूके रशिया फ्रांस, ये भी बेटा इंडिया से बड़ी स्केल पे यान प्रोड्यूस इंपोर्ट करते हैं। ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज, नेपाल, सिंगापुर, श्रीलंका एंड अफ्रीका कंट्रीज, ये सारे हमारे यहां से इनके लिए यान की बहुत डिमांड है और पूरे वर्ल्ड को बेटा यान सप्लाई करते हैं। लास्ट चैप्टर की तरह बेटा मैप का अलग से वीडियो दूंगा आपको रिविजन के लिए लास्ट टाइम, तो उसमें इनको लर्न करने के थोड़े तरीके बताऊंगा, ठीक है। चलिए लास्ट पैराज में चलते हैं इसके। सो इंडिया हैज द सेकंड लार्जेस्ट इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ स्पिंडल इन वर्ल्ड एंड नेक्स्ट टू चाइना, तो चाइना के बाद सेकंड नंबर पे बेटा स्पिंडल्स में, स्पिंडल्स होते हैं बेटा जो जिन पे यान बनता है, ठीक है। देखिए एट अराउंड 34 मिलियन, अभी ये 43.13 में है, बढ़ चुका है बेटा, ये डाटा पुराना है 34, अब 43 पॉइंट समथिंग है, एंड 2003 में ये था और ये 2011 के आसपास का है। सिंस द माइन मिड 18th द स्पिनिंग सेक्टर हैज रिसीव ए लॉट ऑफ अटेंशन, तो हम बात करते हैं मिड 18th से काफी इसको बेटा गवर्नमेंट ने सपोर्ट किया और इसमें प्रोडक्शन बढ़ता गया। वे लास्ट ईयर द वर्ल्ड ट्रेड और कॉटन यान, और वर्ल्ड का जो यान का ट्रेड है बेटा उसका बहुत बड़ा शेयर इंडिया को मिलता है, इसका बहुत बड़ा पार्ट इंडिया से ट्रेड होता है, अकाउंटिंग फॉर 1/4 ऑफ टोटल ट्रेड, तो पूरे वर्ल्ड के ट्रेड का 25% बेटा यान ट्रेड इंडिया से होता है। ये हमारे यान की इंपॉर्टेंस और इसकी फीचर्स के बारे में बहुत अच्छा डाटा है। हाउएवर अवर ट्रेड इन गारमेंट, अब देखिए कपड़े की बात करते हैं, गारमेंट सिले सिलाए कपड़े वो ओनली 4% है, डिफरेंस दिख रहा है, धागा 24% है वर्ल्ड में हमारा ट्रेड और गारमेंट्स में ओनली 4% है। अवर स्पिनिंग मिल्स आर कॉम्पिटिटिव एट द ग्लोबल लेवल एंड कैपेबल टू यूज ऑल फाइबर वी प्रोड्यूस, द वीविंग निटिंग एंड प्रोसेसिंग यूनिट कैन नॉट यूज मच ऑफ द हाई क्वालिटी यान दैट इज प्रोड्यूस इन कंट्री, तो इंडिया में जो बेस्ट क्वालिटी का यान है उसको बेटा हम कंज्यूम नहीं करते हैं, अधिकतर वो एक्सपोर्ट हो जाता है। There are some large and modern factory in this segment. अब कुछ अच्छी बड़ी और modern factory खुली है, but most of the production in the fragmented small unit. अधिकतर बड़ा production हमारा यहाँ बिखरा हुआ है, which cater to the local market. This mismatch is a major drawback of our industry. यही हमारा एक बड़ा drawback है, mismatch है, क्योंकि हमारे यहाँ बिखरा हुआ trade है, इसको हम कहीं एक साथ develop नहीं कर पाते हैं बेटा। As a result, many of the spinners export cotton yarn, while apparel garment manufacturer have to import fabric. तो एक जगह तो हम यान एक्सपोर्ट कर रहे हैं बेटा और एक जगह में इंडस्ट्रीज को यान इंपोर्ट भी करना पड़ता है, ये बड़ी हमारी दुविधा है, ठीक है। चलिए लास्ट पैरा देखते हैं। सो यान इज सोल्ड, देखिए एक एग्जांपल दिया जो आपने शायद सेवंथ में पढ़ा था, शर्ट वाला एग्जांपल, एक चैप्टर आता था पॉलिटिकल में। देखिए यान 85 रुपए केजी है एंड इज सोल्ड ट्राउजर, अक्सर ट्राउजर बना के बेचे 800 रुपए केजी है, तो ये फिनिश गुड बहुत महंगा पड़ता है बेटा। तो हम बात करते हैं कॉटन बेचना तो और सस्ता है, कॉटन 8-10 रुपए किलो बिक जाएगी, उसका धागा बना 85 रुपीज और उसका अगर कपड़ा बना के बेचे 800, तो ये इसकी वैल्यू के डिफरेंस को बता रहा है। वैल्यू इज एडेड एट एवरी स्टेज फ्रॉम फाइबर टू यान एंड फैब्रिक और गारमेंट, तो हर स्टेज पे बेटा वैल्यू बढ़ती है और इंडिया को बेनिफिट यही है कि हम जो यान का ट्रेड करते हैं उसको रिड्यूस करके हम क्लोथ या गारमेंट का ट्रेड करें बेटा, ठीक है। व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस टू इंपोर्ट अवर वीविंग सेक्टर इंस्टेड ऑफ द ग्रोइंग यान इन लार्ज क्वांटिटी, तो हमें वीविंग सेक्टर को डेवलप करना है, वो इस रीजन से पता चलता है, वीविंग को डेवलप करना है, यान एक्सपोर्ट से ज्यादा वीविंग को फोकस करना होगा। देखिए ऑल्दो वी हैव मेड सिग्निफिकेंट इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ गुड क्वालिटी योर लॉन्ग स्टेपल कॉटन, अच्छी कॉटन इंडिया में होती है 92-32 लाख बेल्स बताया, गठड़ी जो होती है बड़ी बड़ी 4-5 का, अभी बढ़ चुका है, द नीड टू इंपोर्ट ऑफ स्टील फेल्ड, अब भी हम इंपोर्ट करते हैं क्योंकि हमारे यहां अधिकतर एक्सपोर्ट होता है बेटा, तो बड़ी स्केल में एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो हमें कॉटन इंपोर्ट भी करना पड़ता है। पावर सप्लाई इज इरेक्टेड, ये हमारी समस्या है, इसको लिख लेना, ये हमारे कॉटन इंडस्ट्री की प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है।
फिर इंपोर्ट सेल्फ और पावर सप्लाई की काफी प्रॉब्लम है। जब भी पावर बेटा बीच में डाउन होती है, कम होती है, बिजली कटती है, उससे बेटा जो कपड़ा चल रहा है उसमें लाइन आ जाती है, उससे वो कपड़ा खराब होता है, इसका बड़ा लॉस होता है इंडस्ट्री को। तो इसको रेगुलर सप्लाई चाहिए। अपग्रेड इन द वीविंग एंड प्रोसेसिंग सेक्टर इन पर्टिकुलर, और वीविंग और जो हमारा जो प्रोसेसिंग सेक्टर उसको हमें और डेवलप करना होगा, पिछड़ी पुरानी मशीनें लगी हुई हैं। अदर प्रॉब्लम आर लो आउटपुट ऑफ लेबर, पर लेबर कॉस्ट की बात करें, पर लेबर प्रोडक्शन की बात करें, वो काफी कम है बेटा, क्योंकि वर्ल्ड में अच्छी मशीन्स आ चुकी हैं, तो वहां पर लेबर कॉस्ट सॉरी प्रोडक्शन काफी ज्यादा है। हमारे यहां भी हमारा लेबर कॉस्ट काफी ज्यादा है और पर लेबर प्रोडक्शन की बात करें वो भी काफी कम है। सिल्क कॉम्पिटिशन, स्टिफ कॉम्पिटिशन, तो बड़ा कॉम्पिटिशन है विद द सिंथेटिक फाइबर, ये कौन है बेटा, कॉटन टेक्सटाइल के अगेंस्ट सिंथेटिक फाइबर आ चुका है, वो ज्यादा चलता है, धोना आसान है, तो उसके साथ भी बेटा कॉटन का काफी टफ कॉम्पिटिशन है। ठीक है, तो यहां इस टॉपिक को और करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक में जूट और सुगर टेक्सटाइल और इन दो को ही हम करेंगे। ठीक है बेटा, थैंक यू।